वो वाइल्ड ड्रामा था जो मैंने मतलब अच्छा। एक दो ड्रामा में से एक है जो मैंने देखा था पूरा आ, नहीं वो अच्छा था क्योंकि वो मुझे थोड़ी सी हीरोइन पसंद भी थी अरसल वो <laughs> जारा नूर <laughs> <laughs> अच्छा। <laughs> <laughs> कुछ कहना चाहेंगे वो <laughs> तो हमारा देखती है पॉडकास्ट अच्छा हाय गाइस वेलकम बैक टू लाइट्स आउट पॉडकास्ट आज हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट uh, आपने इनको देखा होगा इंस्टाग्राम की फनी वीडियोस और बहुत सारा और कंटेंट में और इनसे आज बात करेंगे अबाउट हिज लाइफ एंड गेट टू नो मोर अबाउट मिस्टर तैमूर अकबर वी हैव मिस्टर तैमूर अकबर विद अस हियर टुडे एंड वेरी प्लीज दैट ही वाज एबल टू जॉइन अस हाय तैमूर हाय हाउ आर यू आई एम गुड अल्लाह का शुक्र आप सुने <laughs> बस आप अभी कह रहे थे कि गर्मी बहुत ज्यादा है बहुत ही ज्यादा गर्मी है मतलब या तो मैंने आज इस टाइम मुंह बाहर निकाला अपना वैसे आपकी डेली रूटीन क्या है क्या डेली रूटीन मेरी बस आप ये समझ ले कि चमगादड़ों वाली है रात को जागता <laughs> दिन के टाइम बस अपने कमरे में ही अच्छा

हॉबी नहीं, नहीं। नहीं मतलब ठीक हाँ, है, मतलब हाँ। है, है।, मुझे, मुझे अच्छा। है लेकिन प्लेटफॉर्म मुझे ये मिल गया ठीक हाँ। है तो अब मैंने इसको ना अपनी जॉब छोड़ दी अच्छा मैंने मतलब घर पर बता दिया मैंने कहा छः महीने मुझे नहीं कुछ कहना लेकिन जॉब इसलिए छोड़ी कि टाइम नहीं मिल रहा था ये छोड़ी मैंने लास्ट रमजान जो है ना रमज़ान से बीसवा बाईसवाँ रोजा था जॉब छोड़ दी अच्छा मैंने कहा यार छः महीने बाद जॉब इधर ही है दोबारा कर लेंगे ठीक <laughs> है एक बार जो है ना फुल टाइम देते हैं लेकिन इस वक्त तक आपको अभी ब्रांड डील वगैरह नहीं मिल रही थी नहीं अभी तक तो नहीं मिल रही थी मतलब मैं बता रहा हूँ मेरे मैक्सिमम नौ हज़ार फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम के ऊपर ठीक है और फेसबुक पे फिर चालीस पचास हजार थे तो बड़ा फेक था कि यार क्या जॉब भी बुरी लग रही थी इसलिए भी छोड़ दी जॉब ये भी तो होता है ना कि जॉब अगर अच्छी जा रही है तो फिर बंदा मुश्किल होता है मुश्किल होता है मैं ये नहीं कह रहा मुश्किल नहीं होता मतलब मुश्किल होता है जॉब ठीक थी मतलब इतनी बुरी नहीं थी लेकिन बस मैंने कहा यार एक बार चेक कर ले हाँ। मतलब वैसे ही मुझे हुआ हो गया तो ठीक है छह महीने बाद जॉब इधर ही है ना कुछ और जॉब ये नहीं तो मिलेगी कुछ और कर लेंगे तो मैंने फिर क्या नाम है स्टार्ट कर दी जॉब सॉरी ये किया और मैंने प्रॉपर ना मुझे याद है Uh, मैंने थोड़ा सा पढ़ा था इंस्टाग्राम के, के, के तो में में <laughs> हाँ। सीक्रेट सब यही कहते हैं लेकिन मैं उनको यह कहता हूं कि यार बहुत सारे लोग है वो कंसिस्टेंट भी है हर चीज भी कर रहे हैं लेकिन सर क्वालिटी भी देनी पड़ती है वो मैं नहीं कह रहा लेकिन कंसिस्टेंस मैंने निकाले अगर आप

उस टाइम तो मतलब मैं ये था कि दो हफ्ते में एक वीडियो एक हफ़्ते में एक वीडियो बड़ी सोच सोच की और नहीं गया तो कहते हैं तू आइडिया माइंड में ना हो जाएगा मैं भी यही सोचता था पहले ठीक है मैंने एक और भी लगाया था मैंने कहा सिक्सटी थाउजेंड फॉलोअर्स तक ना कोई ब्रांड काम नहीं लेना क्यों देखिए मेरे ख्याल में ना मेरे ख्याल में आपकी पहले एक ऑडियंस बिल्ट होती है ठीक है अगर आप बीच में थोड़ा सा उन्हें बोर कर दें या इस तरह की कामों तरफ ना वो आपकी उस लेवल से गिरने लग पड़ती है मैंने कहा उस लेवल पे पहुँचा देना ताकि वहाँ से गिरे ना कम अज कम सर बड़ी स्ट्रैटेजी लगा के किया हाँ। वो एक एक बहुत <laughs> <पो> सोचा था <laughs> <laughs> जॉब जोड़ी थी सर <laughs> <laughs> घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया जॉब छोड़ के तो पता भी नहीं था मैं वीडियोस बनाता हूँ कहा कि आप जॉब छोड़ के क्या करना है हाँ ना मैंने कहा कि यार मुझे ना छः महीने दे देने दे आपने ठीक है उन्होंने कुछ भी नहीं बोला महीने क्या बोलते यार <laughs> यार यार <थीक laughs> क्या बोलना था मैंने कहा यार मैंने उनको वैसे बोला था मैंने कहा मैं बिजनेस करना चाहता हूँ ठीक है तो बस जो शुरू के थे ना तो मैं जब वीडियोस बनाता था मेरे मेरे ख्याल से मेरी बहन को या भाई को पता था अम्मी वो नहीं पता था तो उनको तो खैर अभी भी अभी भी रिसेंटली पता लग गया है जब आगे पीछे से रिश्तेदारों ने कहा <laughs> है कि यार यार हमने वीडियो देखी है और ये वो ना और फिर कहते थे कि जॉब वगैरह ढूंढो मैंने क्या अब नहीं ढूंढनी अच्छा हाँ अब वो... क्या नाम है मैंने ना कहते तो अभी भी मतलब थोड़े अरसा पहले भी यही कहते थे लेकिन रिसेंटली जो है ना जब मैंने का एड किया ना अच्छा टीवीसी अच्छा अच्छा हाँ तो एयर हो गया हाँ हो गया। अच्छा। तो जब एयर हुआ है तो मैंने क्या वो देखे <laughs> तो उस पर कुछ कर रहे हाँ। तो जिन, जिन? हाँ। नहीं, नहीं, जिन मैंने देखा नहीं है लेकिन मैं जिनों से डरता बहुत तू कोई नहीं जिन नहीं कोई स्टोरी नहीं है मतलब स्टोरी इस तरह की है कि मैंने अपने जहन में बहुत बार बनाया हुआ है ठीक है मतलब जिन मैं मैं बताता हूँ आपको मैं जब इंग्लैंड में था मैं काम पे था काम से वापस आ रहा था स्टोर में काम करता था ठीक है नाइट जॉब थी मतलब उस दिन मैं जल्दी फ्री हो गया तो मैं घर आ रहा अब उधर ना सीन ये होता कि वीकडेज में ना आपको आठ नौ बजे के बाद ना कोई घोरा बाहर नजर नहीं आता, नहीं आता। <laughs> वो चुप करे सोते हैं ठीक है हाँ वीकेंड में तो बिल्कुल ना मतलब एक बस थी ठीक है वो बस आई है मैं स्टॉप पर उतरा हूँ ठीक है जिसमें फुल सुनसान है बिल्कुल ना बस चली गई है और मैं ना इस तरह काफी लंबी सी स्ट्रीट है ठीक हाँ। है अब वो स्ट्रीट के एंड में ना बिल्कुल तो सामने एक घर है बिल्कुल सामने एक घर है हाँ। तो मैं यूं जा रहा हूँ मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे पीछे से कोई आवाज आई है तो मैंने ना एकदम से पीछे मुड़ के देखा मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था वैसे ही कोई हवा चल रही थी ना कोई हाँ। पत्ता छत्ता हिला था लेकिन जब आपके जहन में एक चीज आ गई है ना वह बैठ गया कि भाई कुछ तो है ठीक है तो अब मैं वो सोच रहा हूँ ठीक है मुझे थोड़ा डर लगने लग पड़ा क्योंकि मतलब बिल्कुल अंधेरा था ठीक है तो मैं यूं थोड़े से ना तेज़ कदम रखने लग घर के सामने आ रहा था मैंने कहा जल्दी जल्दी पहुंचू तो मैं तेज कदम रखने लग पड़ा हूँ <laughs> <चार। laughs> थी तो एकदम तो एक से ना बिल्कुल जो सामने घर था ना उसके छत पे ना मेरी नज़र पड़ी ठीक है मुझे ऐसा फील हुआ एक औरत खड़ी है वाइट कपड़ों में ठीक है अच्छा और उसने बाल खोले हुए हैं मतलब सीरियसली अच्छा। मैंने मतलब मेरे जेहन में आ गया था ना हाँ हा। मैंने वाकई देखा मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर मैं दोबारा उस उसमें नजर न डालता ना हाँ। तो मैंने आगे सबको ये बताना था कि अल्लाह की कसम मैंने उधर तो कोई लड़की देखी है जिसके बाल खुले हुए थे तो फिर जब आपने वापस मतलब देखा। मैंने देखा और मेरे पसीने निकल गए अच्छा ठीक है मैंने एकदम से नीचे देखा मतलब मैंने कोई कुल छुल पड़ा मुझे तो फिर वापस देखा? मैंने जब वापस देखा ना मैं थोड़ा सा वैसे आगे भी आ गया था मैंने जो वापस देखा ना वो ना चिमनी थी वाइट कलर की ठीक है जिसकी बिल्कुल बैक साइड पे एक दरख्त था अच्छा तो वो लग रहा था मुझे ऐसा लगा कि चिमनी व्हाइट कलर की वो खड़ी है आ, ठीक है और खड़ी उसके पीछे जो दरख्त है ना सही, सही। उसने बाल खोले हुए अच्छा अच्छा <laughs> लेकिन मैं दो दिन तक डरता रहा था कहता हूं ना कि मैंने है अब मैं अगर दूसरी बार नजर ना डालता हाँ। तो मैंने तो अपने दोस्त को तैयार हूं मैंने कुछ ना कुछ देखा तो लोगों ने तो मान लेना था दो साल आप जो इंग्लैंड में रहे वो कैसा रहा आपका सर बड़ा मजे का था मुश्किल नहीं था आपके लिए अकेले रहना शुरू में तो आसान था मुझे थोड़ा सा बाद में थोड़ा सा ना मतलब क्योंकि मैं घर से ज्यादा दूर रहा नहीं हूँ अच्छा इवन मैं बैचलर्स भी यहाँ पे यहाँ से किए मैं वापस घर ही आ जाता था उधर रहने का डिसाइड नहीं किया जॉब लेना हाँ मसला यही होता है ना कि आप को जो है ना जब मैं था खैर तब तो आपकी वीजा प्रॉब्लम्स भी थी वही था उस टाइम एक ही हाल था शादी कर लो अच्छा यार अभी वो तो नहीं करनी <laughs> वो तो नहीं करनी अभी तो लेकिन बस पूरी कोशिश की कि उधर रह जाए नहीं मतलब डिसाइड कर लिया था वापस ही आना डिसाइड कर लिया था उस टाइम ही अच्छा। मतलब उधर एक बार बंदा चला जाए तो आपको पता है यार 110 तरीके निकल ही आते हैं स्टे करने के ठीक है मुझे पता भी फिर इलीगल हो जाना <laughs> <नहीं>। <laughs> लीगल की बात करो इलीगल तो जब मर्जी पड़े रहो मैंने कहा 110 सौ दस तरीके मैंने कोई ऐसी वीडियोस भी बनाई हैं जो लाइक फाइनेंस की सिर्फ कॉमेडी बनाई है <laughs> <laughs> नहीं मतलब किस तरह की लाइक like, जिस तरह मोटिवेशनल या पैसे कैसे बनाते हैं या फोर वेज टू मेक मनी या और नहीं मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत हैं <laughs> <laughs> हर बंदा ही मोटिवेशनल स्पीकर है लेकिन इस वो, वो कहेंगे कॉमेडियन भी बहुत है अपना इंस्टाग्राम टिकट वगैरह पे तो हर एक कॉमेडी अलग है अब मोटिवेशनल एक ही चल रहा है कि मतलब डोंट डोंट गिव गिव अप अप बी कंसिस्टेंट हां यही लाइन है <laughs> अब मैं भी यही कह रही यार ये क्या है ठीक है, <laughs> <Right. laughs> है मतलब वो बड़ी कह रहे होते हैं कि यार मतलब एक ही तरह की बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कभी बार कि मतलब अब अगर आपने डिप्रेशन से बाहर निकलना है ठीक है तो आप सोचना छोड़ देमन दे <laughs> जो डिप्रेशन में आप वही बता सकता है हाँ। कि उसने अगर आप नहीं इस बारे में सोचना छोड़ दे, और किस सोचना छोड़ दे? हाँ। आप सिंपल ही बता रहे हैं मैंने एक बार इस तरह की वीडियो बनाई भी थी लेकिन वो मोटिवेशनल स्पीकर मुझे थोड़े जुड़ गए थे अच्छा। <laughs> <laughs> वो कह रहे थे आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो आप किसी को क्रिटिसाइज भी मुझे बहुत कम बहुत कम हाँ, अभी मतलब तक कोई ऐसा अभी नहीं तक नहीं कोई कैंसिल नहीं हुआ <laughs> इस ये होपफुली इस पॉडकास्ट में <laughs> और आपको एक्टिंग का बड़ा शौक है आपके शौक है तो अभी तक नहीं मिला चांस सर मे uh, भी आप नेक्स्ट मंथ देख लें हमें अच्छा हो रही है शूटिंग <laughs> नहीं शूटिंग स्टार्ट होनी है अच्छा कौन से चैनल पर I can really talk about it. या हम होगा या जी होगा यार बात है

आ, अभी जो है ना वैसे उसके लिए मस, एक मसला मुझे छोटा सा ये है कि कराची जाना पड़ना है हाँ वो तो सारी हाँ, कराची में वो सारी शूटिंग वगैरह कराची है तो ये बता हैं वो भी सिंगर ही है अच्छा हाँ आपकी तरह सर अच्छा। आपका ड्रामा मुझे बड़ा पसंद आया था एक बार कौन सा वाला यार मुझे उसका जो गाना मुझे बड़ा पसंद आ, था मुझे नाम हाँ अच्छा अच्छा वो मैंने वो वाइल्ड ड्रामा था जो मैंने मतलब एक दो ड्रामा में से एक है जो मैंने देखा था पूरा वो अच्छा था क्योंकि वो मुझे थोड़ी सी हीरोइन पसंद भी थी

प्रायोरिटी नहीं है प्रायोरिटी नहीं है और मुझे उतना उसका क्रेज़ नहीं है कि मुझे आ, एक्टर बनना है ये भी है लेकिन टिकटॉक पे आजकल बहुत एक्टिंग वगैरह तो आपकी ठीक चल रही है हाँ वीडियोस काफ़ी निकाल रहे हैं हाँ लेकिन वो मेरा ये मेन फोकस अभी भी नहीं है कि टिकटॉक में करूँ वो जो भी फ्री टाइम मिलता है उसके अंदर अगर कोई ऐसा सोचा कि अच्छा ये चल सकता है या ये हो सकता है जल्दी से शूट किया और बस डाल आज कल जो है वो इस तरह फनी और ये कल को वो एक स्विच उन्होंने चेंज करना था कुछ और <laughs> <बड़नों> कर <दिया। laughs> चलो सारे घर <गार। laughs> यही हो <दा। laughs> होता वैसे यही है लेकिन मेरे ख्याल में फनी वीडियोज का कॉन्सेप्ट है फनी वीडियोज का रिलेटेबल कॉन्टेंट हो? होता है आपके वैसे ही चल जाते ज्यादा हाँ हाँ। क्योंकि ज्यादा लोग रिलेट करते हैं उससे तो अब लोग ज़्यादा देखना हैं yeah. तक मैंने देखा ah. <coughs> तो है ठीक सीरियस सीरियस या है, तो है नहीं तो तो एक दफा ये ये लो हाई इस व्यूज आने फिर आया उदासी होता है इंस्टाग्राम मैं अब करना नहीं चाहता वो लेकिन बड़ा दो नंबर चीज है ठीक है इंस्टाग्राम आपको एक दो हफ्ते से ही रीच देता है ठीक <laughs> है उसके बाद कहता है यार बंदा फ्री हो गया ठीक है जरा सा okay. खींचो इससे hmm. तो एक दो हफ्ते जो है ना वो right. एकदम से मतलब नॉर्मल से भी कम जा रहे होते हैं right. एक दो हफ्ते आप लगाते हो वीडियो तो ऐसे व्यूज जा रहे होते हैं मेरे right. यार बस सेलेब्रिटी तो हम ही है right. लेकिन अक्सर वो बताता है आपको आपकी औकात दिखाता है थोड़ी सी ना आपसे रीच खींचता है और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता ये मतलब हर कॉन्टेंट क्रिएटर के साथ ही होता है राइट right. तो आपके फॉलोअर्स आपको अभी तक क्या आइडिया हुआ कि कैस अगर आप उनकी बनाना चाहे दे, पता नहीं क्या हो जा रहा है, है? है लड़कियां मुझे तो लगता है मुझे तो अन करिए मुझे लगता है। वो स्टार्ट करना पड़ता है ऑलमोस्ट मेरे खाते Instagram पे तो मैं सोच रहा हूं थोड़ा लड़कों वाला कंटेंट बनाने लग पड़ूं मुझे मुझे थोड़ी सी फिक्र होने लग पड़ी थी पिछले दिन डीएमस भर जाते हैं आपके जी डीएमस में लड़कियां आपको हेलो हाय कर रही होती हैं करें <laughs> 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 <च्च्चारे>। अच्छा <laughs> हो जाता है थोड़ा बहुत लेकिन आप मुझे ये भी अभी भी समझ नहीं आ रही कि डेली ब्लॉगिंग के आइडियाज़ कैसे आप रोज बनाएंगे कि या एक सिस्टम बनाएंगे कि बस ये करेंगे आप ये अभी सोच रहे हैं मैं पिछले छः महीने से सोच रहा हूँ हाँ लेकिन ब्रेक मतलब थ्रू मिला है कि नहीं क्योंकि अगर मिल गया होता तो आप शुरू कर हाँ। बात वही है ना कि रोज व्लॉग

फिर अभी इसने कम बैक मारा है लास्ट ईयर मेरे ख्याल से इट्स अमेजिंग के अब आ, पहले ये होता था ना जमशन के यार नहीं फुल टाइम नहीं कर सकते कंटेंट क्रिएशन ये हाँ। जॉब होना जरूरी है ये है वो है ये इन्होंने ही दिया है मतलब जो मेन है ना मोरू कर लो नहीं। नहीं। जुनेद असलम अकरम <laughs> <laughs> जुनेद अकरम ठीक हाँ। है इरफान जुनेद जो ये जो पुराने हैं जैद अली ठीक है जो पुराने हैं ना इन्होंने आपको बताया कि यार आप इससे आप इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हो ठीक है वरना हाँ मतलब जो अभी आ रहे हैं इनको पहले तो नहीं पता था लेकिन इससे अमीर बन सकते हो यार मैं ये कहता हूँ कि अमीर की डेफिनेशन है क्या बाहर यूट्यूबर है तो वो तो मिलियन मिलियनर बन जाता है

सारे भूखे मर जाएंगे लेकिन जिस तरह वो ए, जर्नलिस्ट का पता है इमरान रियाज खान उनका उस दिन क्लिप निकला हुआ था वो बता रहे थे कि यूट्यूब से वो कितना अर्न करते हैं हाँ मैंने भी देखे मैंने देखा नहीं मुझे किसी ने बताया कि, कि उसने काफी ज्यादा बताई है उसने कहा कि आपको क्या लगता है मैं कितना कमाता हूँ पता नहीं है कहा आपको लग रहा है करोड़ कमाता हूँ आपकी सोच बहुत कम है कि मैं ऐसे बात सही है क्योंकि उसके हर रोज वो डालता है दो वीडियो डाल रहा है हर वीडियो पर टू मिलियन ये वो तो फिर अच्छी खासी तो कमार ये तो हजारों में हजारों डॉलर्स हाँ। बन रहे हैं ना उसके तो मेरे ख्याल से अगर दो मिलियन टच कर रहा है तो अगर पाकिस्तान की भी व्यूज है ठीक है तो सारे पंद्रह सौ दो हजार डॉलर तो, तो पर वीडियो जा रहा है उसका हाँ। नहीं पर दिन का हाँ डॉलर कर लो हाँ तो इतना तो बन नहीं आप सबसे ज्यादा ऐप कौन सी यूज करते हैं सोशल आजकल तो टिकटॉक ही <laughs> <laughs> मैं वैसे इंस्टाग्राम सोच रहा था लेकिन आपने तो टिकटॉक बोला है, है? एक्चुअली टिकटॉक मुझे बहुत पसंद है स्पेशली लाइक बाहर का जो कंटेंट हाँ। है ना टिकटॉक का बहुत क्रिएटिव और बहुत uh, मजे का कंटेंट है बाकी हाँ। लेकिन वही बात है ना कि मतलब ज्यादातर जहाँ पे लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं ठीक है, है? आप नज़र तो वही लोग आ रहे हैं ना फिर आप ड्रामा क्यों कर रहे हैं कौन टीवी पे शौक भी है आपको शुरू पहली तो आप अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू करें अपना फिल्ट्रेशन प्लांट पहले प्लांट बनानी है, ना रहे है। उतने का ड्रामा बन जाना था जितने का आपने फिल्ट्रेशन प्लांट तो मैं बंदे कहा से लाता <laughs> <सरी> है।, <laughs> है फिर किस चीज का मुझे ये क्रिकेट फुटबॉल फुटबॉल खेलते हैं आप क्रिकेट खेलता हूँ मैं देखता तो ही ठीक है मैं पहले बॉलिंग पहले, पहले बैटिंग करता बॉलिंग भी कराना सीख ली है अच्छा पाँच छः साल से आठ बॉल से खेलते हैं क्या फ्रे? और नहीं नहीं सर इतना भी प्रोफेशनल नहीं है टेनिस <laughs> बॉल ही है अच्छा <laughs> 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 मैंने भी बड़ी खेली है क्रिकेट बचपन में आ, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज क्रिकेट का था नहीं क्रिकेट में बहुत ज़्यादा शौक से देखता था मतलब मैं मुझे याद है कि पाकिस्तान हारती थी मुझे तो नींद ही नहीं आती थी ठीक है फिर एस्ता एस्ता ना मेरा आता इतने के हारे के वो फिर दिल्ली अच्छा तो कोई अपने आप अपने फैंस को आपको ऐसी बात अपने बारे में बताना चाहें उन्होंने कभी सुनी ना हो या कोई ऐसी स्पेशल चीज़ या कोई कभी अगर उन्हें नहीं सुनी होगी तो किसी वजह से नहीं सुनी होगी <laughs> लेकिन आज हमारे इस पॉडकास्ट पे कुछ आप उनको सच। ऐसी बात तो है नहीं अब मुझे क्या बताऊँ तुम लोग लड़कियां आपको कैसी पसंद है लड़कियां कैसी पसंद आती हैं लड़कियां लड़कियां पसंद है <laughs> कैसी <laughs> <laughs> नहीं मुझे बस मतलब आपको अगर वाइफ ढूंढनी हो तो उसमें क्या क्वालिटीज हो इंटेलिजेंट हो ह्यूमर अच्छा हो कुकिंग अच्छी करती हो क्या हो ये सब हो सब हो <laughs> <ये> सब हो <laughs> और इसके अलावा कोई फैशन सेंस अच्छा हो नहीं फैशन सेंस अच्छा ना भी तो कोई अच्छा। मसला नहीं है वैसे ढूंढ रहे हैं आप अभी क्या अभी नहीं दूण अभी दूण नहीं अभी नहीं ढूंढ रहा अगले साल ढूंढूंगा अगले साल जो भी स्ट्रेटजी है अगले साल दिसंबर जनवरी जो ही है ना स्टार्ट कर दूंगा ढूंढना अच्छा तो और कोई मैसेज देना चाहें एंड में आ, हमारे लिसनर्स को लिए कोई कोई अब आ, ये ना, ना मोटिवेशनल कोई। नहीं नहीं वैसे हम ये बोलते नहीं कि कोई मोटिवेशनल वगैरह स्टाइल नहीं है इस पॉडकास्ट का बट वैसे कोई और बात करना चाहे पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया सुना हाँ बहुत महंगा हो गया हाँ। मैं सोच रहा था इधर किस तरह होगा आज

और आजकल तो डर भी लगता है कोई मतलब मुल्क के जिस तरह के हालात हैं अच्छा तो कभी ऐसा होता है कि आप पैसे मांगे और वो ब्रांड गायब हो जाए क्योंकि तो ज़्यादा तो पैसे तो एक बार <laughs> <एक बर? laughs> <जाँ laughs> वो जिस तरह पी के में नहीं कहते काम करा ली है पैसा नहीं दिया हमारा <laughs> <laughs> लेकिन पेमेंट में तंग नहीं करते लेट करते बहुत तंग करते हैं छः छः महीने नहीं आती नहीं आती गलत बात है ना बहुत गलत बात है केस भी नहीं कर सकते कोर्ट में ही नहीं जा सकते मसला सबसे बड़ा ये ढूंढे अब तो मैं एडवांस लेता भाई अच्छा, बाकी 50, हाँ, 50% परसेंट फिर आती रही तो दो यार जितने आ रहे वो तो आए ना खर्चा तो पूरा हो लेकिन कुछ अच्छे लोग भी मिले हैं ये नहीं के सारे सबसे अच्छे पैसे कौन सा ब्रांड देते हैं सबसे अच्छा तो नहीं, हाँ, वो वो तो हाँ, नहीं मैं इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए कह रहा अच्छा है क्या आपको ये देते कहता अच्छा ठीक है यार मैंने मतलब ब्रांड सारे एक ही तरह के होते हैं क्योंकि उनकी भी होती है जो एजेंसी उनको कर रही होती है ठीक है वो कह रही होती है कम से कम में जाए हम कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा में जाए ठीक है तो जहां पे बात खत्म हो जाए वहाँ पे आपको पता होता है लेकिन अक्सर ये होता है ना कि अगर आप अपना एक कोई सेट कर ठीक है अगर उनको वो बंदा चाहिए चाहिए तो फिर तो वही चलें चाहिए। चाहिए। बड़ा अच्छा मुस्कुराता रहता हूँ लड़ो मुझे पसंद है मैंने इतना सुना और इंग्लैंड में तो मैंने सुन सुन के यार वाकई यार ने गा दिया है आ, वो लेकिन वो motivation वो, without motivation वो बहुत था। <laughs> था। बहुत था। बहुत बहुत जबरदस्त 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 गाना गाना था था मैंने बहुत ही सुना गाना पसंद आज ना वो जब बार... तक वो ना आए ना वो तो मैं तब तक सुनता रहता हूं ठीक है हर हम गाड़ी में भी और नहीं अभी वो इसका एक क्योंकि जब खान साहब को

<laughs> 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 तो और अभी आप, क्या, आप क्या कर रहे हैं ने निकाल रहे हैं गाने जी हम गानेल्बम शेल्बम कोई बस सिंगल्स निकाल रहे हैं अच्छा सिंगल्स निकाल रहे हैं भाई इन्हीं दिनों में आजकल वही रिकॉर्ड कर रहे थे तो साथ साथ उसकी एक्टिंग तो छोड़ दी बिल्कुल एक्टिंग अभी टेलीफिल्म की थी मैंने ईद पर आई थी ईद अफरा तफरी कुबरा के साथ थी अच्छा हम टी वी पर वो लाइक वन आवर की होती टेलीफिल्म अच्छा वो जो ईद पे ही आता है ड्रामा अच्छा अच्छा यूट्यूब पे पड़ी हुई है बट उसके बाद अभी नहीं की टाइम नहीं मिल रहा

बहुत मजे की रिलेटेबल वीडियोस एंड बड़ा मज़ा आया आज आपसे बात करके सर बहुत शुक्रिया आई होप आपको भी अच्छा लगा हो बहुत मजा आया तो या दैट वाज आवर पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड होपफुली विल सी यू लिसनि ऑलराइट बाय